वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमा घणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक लीडर सेंटर। दोस्तों, आज मैं गोकुलपुरा में हूँ और यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सेपरेट पट्टा, सिंगल पट्टे के अंदर मकान बताओ और वो भी 100 वर्ग गज से बड़ा बताओ। तो आज उन सब की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने जा रही है। आज मैं ऐसा ही मकान लेकर आया हूँ जो कि मकान की बजाय उसे महल कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, साथ ही सेपरेट पट्टे का JDA पट्टा है, सेपरेट सिंगल पट्टे के अंदर 111 वर्ग गज का मकान लेकर आया हूँ जो कि एक बेहतरीन शानदार अलीशान मकान है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। लगे हाथ चैनल को शेयर करना ना भूलें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में आप घूमते ही रह जाओ। और साथ ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और नौ सभी को इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए। आपकी छोटे से प्रयास से हो सकता है किसी को अपने सपनों का आशियाना उपलब्ध कराने में आपकी भूमिका हो। साथ ही अब तक विनायक बिल्डर्स ने हजारों सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जिन्होंने विनायक से आशियाना बुक कराए हैं और अपनी आलीशान जिंदगी जी है, उन्हीं में से आप भी अगले हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथ आपको बता दूं कि मकान लेने के बाद बच्चे, सबसे बड़ी टेंशन होती है बच्चों की, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे हैं। अगर आपके बच्चे 10th पास कर लिए और 12th पास कर लिए हैं तो उनके लिए मैं आपको एक करियर काउंसलिंग के लिए आप इसे देखिए, आपके लिए लेकर क्या है NDA 2024 का फर्स्ट NDA। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक NDA बेस कोर्स डिजाइन किया है IT क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतर इंग्लिश, और इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे, 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी मेरा नाम पुष्कर सिंह शेखावत है और मैं आपको एनडीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसकी बात होगी। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज, मैं आपकी जीके एनडीए की क्लास में तो मैं कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एलिवेशन। गज के अंदर एक बेहतरीन शानदार आलीशान मकान। तो आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर यह है रैम, इसी के साथ में हैवी लुक में आपको मिलता है आयरन गेट, एक बेहतरीन शानदार आलीशान ये हैवी लुक के अंदर मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर मिलती है ए वेरी बिग स्पेसियस पार्किंग, यहाँ पार्किंग के अंदर मिलेगा आपको 8000 लीटर कैपेसिटी का वाटर टैंक, इसी के साथ में मिलता है आपको मोटर का प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है। सील एंड पट्टी की कोई शिकायत ना हो, समस्या ना आए इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फीट चारों तरफ आपको टाइल्स लगा करके दी गई है। इसी के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं पार्किंग टाइल्स है और इसी के साथ में सामने की तरफ यहाँ मिलता है आपको बालकनी, यहाँ देख सकते हैं बालकनी, ऊपर देख सकते हैं वुडन कलर के अंदर बेहतरीन शानदार इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ मिलता है। और यह है बाहर से जीना,
20x50। अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें 111 गज 20x50 साइज है। और इसी के साथ में अगर फेसिंग की बात करूं मैं तो वेस्ट फेसिंग मकान है ये, लोनेबल प्रॉपर्टी है, जेडीए पट्टे के अंदर है, सेपरेट पट्टे का है। तो यहाँ देख सकते हैं स्टील की रेलिंग है, ग्रेनाइट का जीना है, और ये देख सकते हैं हमने जैसे ही एंटर किया वेरी बिग स्पेशियस हॉल, आप देख सकते हैं बेहतरीन शानदार हॉल मिलता है, काफी बड़ा हॉल। एक पहले तो ग्राम यहाँ पर हॉल है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रॉयल प्लेन डिजाइन एक वॉल है, ऊपर की मैं बात करूं तो फॉल्सिलिंग दी हुई है। इसी के साथ में यहाँ की अगर मैं बात करूं तो सामने की तरफ आपको मिलता है वुडन के अंदर एक एलसीडी पैनल मिलता है। नीचे की मैं बात करूं तो विट्रिफाइड टाइल्स है 2x4 साइज की। और इसी के साथ में सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ मिलेगा एक मॉड्यूलर किचन, एक शानदार मॉड्यूलर किचन जिसमें डबल मोल्डिंग के साथ आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलता है और यहाँ पर वास्तु के अकॉर्डिंग मिलता है। ये पूरे बॉक्सेस आपको ऑलरेडी बना के दिए गए हैं, यहाँ सैनिटरी फिटिंग आप देख सकते हैं, आरओ गीजर के पॉइंट ऑलरेडी मिलते हैं आपको। इसी के साथ में ये था हॉल, अभी मैं लेकर चलता हूँ मास्टर बेडरूम। यहाँ देख सकते हैं आप ये है मास्टर बेडरूम और काफी स्पेशियस रूम है। सामने की तरफ मिलती है आपको एक वॉल जिसमें रॉयल प्लेन के डिजाइनिंग के साथ में ऊपर फॉल्स सीलिंग दी हुई है, फॉल्स सीलिंग में पूरी लाइट पॉप वगैरह सब दिए गए हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर मिलती है आपको एक वार्डरोब, एक बड़ा सा वार्डरोब है, अटैच बाथरूम यहाँ देख सकते हैं, वैसे टॉयलेट आपको मिलता है यहाँ पे। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो विट्रिफाइड टाइल्स है, सामने की तरफ देख सकते हैं एसी फिटिंग है, और ये है गैलरी, यहाँ देख सकते हैं गैलरी है, ओपन एरिया है, ओपन टू स्काई है, वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं है। इसी के साथ में इसे वॉश एरिया की तरह से भी यूज कर सकते हैं, ये किचन का वेंटिलेशन के लिए भी है यहाँ पर। और यहाँ अभी हम वापस हॉल में आ चुके हैं और अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको हॉल में, डाइनिंग हॉल में हम वापस आ चुके हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं वॉश बेसिन, ये देख सकते हैं आप वॉश बेसिन है और जेडी पट्टे में है ये, ऑल अमेनिटीज हियर। अमेनिटीज की बात करें तो सारी अमेनिटीज आपको यहाँ मिलेगी, और डिस्टेंस वाइज बात करें तो रेलवे स्टेशन जो फलकपुरा है उसके नियर बाई है, कालवा रोड की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर यहाँ से कालवा रोड पड़ेगी। और यहाँ देख सकते हैं ये है कॉमन टॉयलेट, बाथरूम है कॉमन इंडियन टॉयलेट। और इसी के साथ में यहाँ देख सकते हैं ये है फ्रंट साइड बेडरूम है जो कि 10x12 साइज का ये रूम है। हाँ की बात करें एक और रॉयल प्लेन डिजाइनिंग के साथ ऊपर की तरफ देख सकते हैं फॉल्स सीलिंग दी हुई है, और ये है गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं, फ्रंट साइड बेडरूम बोल सकते हैं और ड्राइंग रूम बोल सकते हैं। सामने की तरफ एंट्री यहाँ देख सकते हैं, फ्रंट से एंट्री भी है इसकी, बालकनी है, आसपास की लोकेशन देख सकते हैं, गोकुलपुरा एरिया है ये। यहाँ देख सकते हैं ये था ग्राउंड फ्लोर, नीचे किचन है और ऊपर भी किचन है, दो रूम सेट है ये जो कि नीचे और ऊपर अलग अलग रूम है। बेहतरीन शानदार इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ मकान था, सेम ऐसा का ऐसा पोर्शन ऊपर है जो कि मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर इसकी कीमत की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 111 वर्ग गज 20x50 साइज है इसकी, जेडीए पट्टे के अंदर है, सेपरेट पट्टे का मकान है। और अगर कीमत की बात करें तो 85 लाख रुपीज के अंदर ये मकान है 111 गज में। अगर इंटरेस्टेड है तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नेगोशिएबल प्राइसेज है। तो चलिए आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं ये है स्टील की रेलिंग और ग्रेनाइट का जीना है, सामने की तरफ यहाँ देख सकते हैं टी फ्रेम है। और इसी के साथ में अभी हम आ चुके हैं ऊपर वाले पोर्शन में, और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एंटर किया आपने देखा पहले जब हम नीचे वाले में गए थे सेम ऐसा का ऐसा पोर्शन है, जैसे मैंने एंटर किया वेरी स्पेशियस हॉल, सेम उतना ही स्पेशियस हॉल है जो कि नीचे था। और यहाँ देख सकते हैं ये है रॉयल प्ले में डिजाइनिंग, ऊपर की तरफ देख सकते हैं फॉल्स सीलिंग दी हुई है, और इसी के साथ में यहाँ वॉश बेसिन दिया हुआ है ये, और सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर एलसीडी पैनल जो नीचे आपने देखा था। इसी के साथ में कॉमन बाथरूम यहाँ देख सकते हैं, कॉमन बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम, और इसी के साथ में किचन आप देख सकते हैं, बड़ा सा किचन, बहुत सारे रूम्स, बहुत
किचन है, एक देख सकते काफी स्पेसियस किचन है, वेंटिलेशन की पूरे मकान में कोई कमी नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं मास्टर बेडरूम, अगर आप एक परफेक्ट मकान सर्च करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है स्पेसियस हो और वेंटिलेशन की कमी ना हो, और वो दोनों चीजें आपको यहाँ मिल रही है। ये देख सकते हैं ये है रॉयल प्ले में डिजाइनिंग, और ऊपर बॉल्सिलिंग देख सकते हैं, सामने की तरफ देख सकते हैं ये वार्डरोब वगैरह और अटैच बाथरूम, यहाँ देख सकते हैं आपको बाथरूम मिलता है। और इसी के साथ में ये है अटैच गैलरी, यहाँ देख सकते हैं ये है गैलरी। और हम वापस हॉल में आ चुके हैं, अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको फ्रंट साइड बेडरूम की तरफ। और यहाँ देख सकते हैं ये भी फ्रंट साइड बेडरूम वही है जो कि आपने नीचे देखा था, उतना ही साइज का, काफी स्पेसियस है फ्रंट। और यहाँ देख सकते हैं ये रॉयल कलर डिजाइनिंग है, ऊपर वॉल सीलिंग दी हुई है और अटैच टू बालकनी, आप देख सकते हैं एक बड़ी सी बालकनी आपको, एक बड़ी सी बालकनी मिलती है। और यहाँ जो फ्रंट है इसका वो 20 का है और जो चौड़ाई है उसकी 4, तो 20x4 की बड़ी सी बालकनी, ऊपर देख सकते हैं वुडन कलर किया हुआ है। और सामने की तरफ भी मकान देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर मकान बने हुए हैं और भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सामने की तरफ ये रोड देख सकते हैं क्योंकि 60 फुट रोड है और ये गोकुलपुरा है। तो ये था मकान जो कि 85 लाख रुपीज के अंदर है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।